दोस्तों, स्वाद घर का चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मूंग की दाल के पकौड़े बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट होते हैं। तो आइए, पकौड़े बनाने के लिए हमें 150 ग्राम मूंग की दाल, जो कि हमने एक घंटा पहले ही भिगो के रख ली थी, ध्यान रहे कि दाल डबल हो जाती है भीगने के बाद, कुछ मटर के दाने, एक प्याज कटा हुआ, एक आलू लिया है हमने महीन महीन कूड़े किए हुए इसके, कुछ हरी धनिया और हरे मिर्च एक कटा हुआ, और कुछ मसाले चाहिए हमको, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच दाल का मसाला और कुछ अदरक का पीस हमने कद्दूकस किया हुआ है और थोड़ा ऑयल, जो कि हम इसे पकौड़ों को फ्राई करेंगे। अब हम दाल को ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडर में करेंगे। दाल हमने ग्राइंड कर ली है, ध्यान रहे थोड़ा मोटी मोटी पीसनी है, ज्यादा नहीं पीसनी है। अब हम इसको बाउल में करेंगे दाल को। जो हमने मटर रखी थी वो डालेंगे, कटा हुआ प्याज, आलू के पीस, हरा धनिया, अदरक जो हमने कद्दूकस की हुई है और मसाले डालेंगे, एक चम्मच नमक या स्वाद अनुसार डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच दाल का मसाला, आधा चम्मच हरा धनिया पिसा हुआ धनिया सुपर और कटा हुआ जो हरा धनिया हमने लिया हुआ था वो डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो हमारा तैयार हो गया है पकौड़ों के लिए मसाला। अब हमने गैस पर कढ़ाई रखी, उसमें ऑयल भी डाला हुआ है। अब हमारा तेल गरम हो गया है कि नहीं इसको हम चेक करेंगे, थोड़ा सा डाल के चेक करेंगे। हाँ, बिल्कुल रेडी है हमारा तेल। अब हम इसमें अपने पकौड़े तल सकते हैं। पकौड़ों को हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है, जिससे कि हमारे पकौड़े जले नहीं और उरारे हों अच्छी तरह। ये पकौड़े बरसात के मौसम में और सर्दियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं और बड़े भी बहुत मजे से खाते हैं इन पकौड़ों को। अब थोड़े हमारे पकौड़े हो गए तो हम इसको पलट देंगे, जिससे दूसरी साइड से भी ये अच्छे अच्छे सिक सकें और सुरारे हो जाएं। अब हमारे पकौड़े थोड़ा कलर पलटने लगे हैं और ये सुरारे भी दिख रहे हैं थोड़ा। दोनों साइड से सीककर पकौड़े तैयार हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। तरह से और पकोड़े भी हम तल लेंगे। मूंग की दाल के पकोड़े
एक बार आप जरूर बनाकर खाएं, क्योंकि बारिश और सर्दियों में तो बहुत ही अधिक पसंद किए जाते हैं पकौड़े। हमारे ये पकौड़े भी तैयार हो गए सीखकर। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह से जितना भी मसाला हमने तैयार किया सबके पकौड़े इसी तरह से तल लेंगे। अब आप इन पकौड़ों को चटनी के साथ खा सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू।